डाक विभाग की ओर से सुकन्या दिवस मनाया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि सहायक डाक अधीक्षक मुकेश कुमार ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को बढ़ावा देने के उद्देश्य से केंद्र सरकार की ये महत्वाकांक्षी योजना है। एक परिवार से दो बेटी को इस योजना का खाता खोलने के लिए अधिकतम 10 वर्ष होने चाहिए। और खबर रोहतास से है, जहां पर कक्षवा थाना क्षेत्र के समहोता मठिया गांव में एक 5 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है, जिसमें पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि गांव के ही 19 वर्षीय रोहित गिरी युवक रेप करने का आरोप लगा है। पीड़ित बच्ची के पिता ने बताया कि पंचायत चुनाव की रंजिश के कारण उसकी बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया। खबर जगदलपुर से, जहां पर पुलिस विभाग आम जनता और ग्रामीण के माध्यम मध्य बेहतर और मजबूत संबंध बनाने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया, जो बस्तर ता माटा के नाम से जाना जाएगा। उक्त बातें पुलिस महानिरीक्षक पी सुंदर राज ने बताते हुए कही कि ये पहल है कि वनवासियों और पुलिस के मध्य मजबूत संबंध स्थापित हो, जिसके चलते मावा आलसना पुलिस सभागृह में आयोजित कार्यक्रम में बस्तर दशहरा में आए मांझी एवं चलकियों के अनुरोध पर उन्हें फिल्म दिखाई गई, जिसमें आदिवासी बहुल समाज का नेतृत्व करने वाले मांझी और चालाकियों को सम्मान देते हुए पुलिस महानिरीक्षक पुलिस अधीक्षक कलेक्टर से मुलाकात करवाया और समस्याओं के निराकरण हेतु विचार विमर्श किया गया। और दंतेवाड़ा जिले में स्थित दंतेश्वरी माई में बस्तर राजा कमल चंद्र भंजदेव पहुंचे, दशहरा में सम्मिलित होने मावली माता जी को निमंत्रण देने मंदिर पहुंचे। यहां पर उन्होंने विधि विधान से पूजा अर्चना का निमंत्रण दिया। बता दें कि छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में ये त्यौहार मनाया जाता है। मावली माता की विदाई पूजा विधान तक लगातार लगभग 75 दिन तक विभिन्न पूजा विधान की श्रृंखला मनाई जाएगी। बस्तर दशहरा का सबसे आकर्षक भाग रथ परिक्रमा होता है। बस्तर दशहरा उत्सव में संभाग के अलग अलग परगना एवं गांव से हजारों की संख्या में मांझी चालकी पुजारी पटेल और ग्रामीण शिरकत करते हैं। बस्तर नरेश कमलचंद भंजदेव मावली माता को निमंत्रण देने खुद दंतेवाड़ा पहुंचे। जिसको 75 दिनों का एक कार्यक्रम है, जो कि राजा को रथपति की उपाधि मिली थी, एक ही तीन ही उपाधियां आज के दिन मिली है, एक रथपति, एक मिला है महाराजा धीराजा जो कृष्ण भगवान को था, तीसरी जो उपाधि मिली थी वो मिली थी जगन्नाथ प्रभु को, जिनको बोला जाता है गजपति, जो कि वहाँ के जमींदार हैं, जिनको महाराज भी बुलाया जाता है सम्मान से, वो छेरा पूरा करते हैं सोने के झाड़ू से। तो ये तीन उपाधि में बस्तर का बहुत बड़ी नाम है सनातन धर्म में, कि रथपति की उपाधि सुभद्रा के रथ में बैठने राजा आए थे, उसमें सभी विभिन्न देश के जितने भी लोग थे, हमारे देश के मतलब हमारे बस्तर संभाग के जितने भी लोग थे, उन सबको जिम्मेदारियाँ दी गई थी बस्तर दशहरा में। उसमें बहुत सारे सनातन धर्म के जितने भी लोग हैं, चाहे वो बीजापुर कोंटा सुकमा जितने भी लोग हैं, मतलब चारामा से लेकर बीजापुर तक सभी देवी देवता इसमें उपस्थित होते हैं, और साथ साथ बस्तर संभाग के जितने देवी देवता हैं वो भी यहाँ उपस्थित होते हैं। मुंगेरी जिले के लोरमी इलाके के सुकली पंचायत में सरपंच और रोजगार सहायक के कारगुजारी से गांव के लोग बेहद परेशान हैं। सरपंच नोहर सिंह राजपूत और रोजगार सहायक के द्वारा मनरेगा के निर्माण कार्यों में जमकर धान लीके जाने की शिकायत ग्रामीणों के द्वारा की गई। मनरेगा के कार्यों में फर्जी मस्टर रोल भरकर फर्जी भुगतान करना आवाम बात हो गई है, लेकिन स्कूली पंचायत में भ्रष्टाचार की सारी हदें पार करते हुए सरपंच और रोजगार सहायक ने मनरेगा के कार्य में जेसीबी मशीन से करवा दिया, अपने चहेते लोगों के नाम फर्जी मस्टर रोल भरकर पैसा भी आहरित करवा दिया। इसके चलते यहां ग्रामीणों को मनरेगा योजना के तहत मिलने वाला रोजगार भी नसीब नहीं हुआ। जिला सीईओ रोहित व्यास का कहना है कि ग्रामीणों द्वारा लगातार सरपंच के विरुद्ध शिकायत प्राप्त हो रही है, जांच कराने पर शिकायत सही मिलने पर सरपंच से वसूली की कार्रवाई की जा रही है, इसके अलावा आगे चलकर इसमें FIR दर्ज भी कराई जाएगी। हमारे गांव में अभी वर्तमान में जो सरपंच है नोहर सिंह राजपूत, उनके द्वारा फर्जी तरीका से मनरेगा में जो काम मजदूरों के द्वारा कराना है उसको वो JCB के माध्यम से करा रहा है, जिसका हमारे पंचायत के लोगों के द्वारा शिकायत किया गया है। उसमें जांच करने के लिए मुंगेली से टीम भी गया था, जांच भी किया, सही पाया, लेकिन कार्यवाही सही ढंग से उनके ऊपर नहीं हो रहा है। क्या कारण है हम ये जानना चाहते हैं, इसलिए हम फिर आए हैं, फिर शिकायत किए हैं यहाँ
कलेक्ट्रेट में आवक जावक में दिए हैं। ये शिकायत प्राप्त हुई थी सुकली पंचायत का, इसमें जांच भी कराया गया है। जांच में कुछ जो अनियमितता हुई है पंचायत में वो सही पाई गई है, और हमने अनुविभागीय अधिकारी लोरमी को सरपंच जो है वहाँ के उनके विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए धारा 40 में अनुशंसा भी की है कार्रवाई करने के लिए। उसके अतिरिक्त वहाँ पर काफ़ी मात्रा में रिकवरी भी निकाला है जो वसूली है, और लगातार हम लोग उसमें वसूली की कार्रवाई भी कर रहे हैं। इसमें अभी कुछ नई शिकायतें और भी प्राप्त हुई है, उनका भी हम लोग विधिवत जांच कराएंगे। और यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। हम सभी जानते हैं कि दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में हर साल अक्टूबर नवंबर के महीनों में पराली के धुएं से प्रदूषण बढ़ जाता है। सर्दियों में पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पराली के जलने वाले धुएं से दिल्ली के करोड़ों लोगों को सांस लेने में तकलीफ होती है। हमारे किसान भाइयों को मजबूरी में अपनी पराली जलानी पड़ती है, क्योंकि उनके पास कोई और दूसरा रास्ता ही नहीं होता। अब दिल्ली सरकार ने पराली से होने वाले प्रदूषण को खत्म करने के लिए एक ठोस कदम उठाया है। दिल्ली सरकार ने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा द्वारा विकसित बायो डीकम्पोजर तकनीक को दिल्ली में लागू कर दिया है। पूसा इंस्टीट्यूट के बायो डीकम्पोजर तकनीक से पराली को गलाकर वहीं खाद में बदला जा सकता है। दिल्ली सरकार ने इस तकनीक को लागू कर दिया है और इसका सारा खर्च दिल्ली सरकार उठा रही है, और जब खेत में ही उस पराली का खाद बन जाएगा तो वो जमीन की उर्वरता भी बढ़ाएगा, मतलब किसानों की अगली फसल भी बढ़िया होगी। यही तो हमारे किसानों को चाहिए। और सबसे बड़ी बात, जब पराली नहीं जलेगी तो प्रदूषण भी नहीं होगा, इसमें सबका फायदा है। पहले हमें अपनी पराली जलानी पड़ती थी, लेकिन इस बार हमें ऐसा नहीं करना पड़ा। दिल्ली सरकार ने पराली को खाद में बदलने के लिए हमारे खेतों में ये छिड़काव करवाया। ये बहुत ही आसान था और हमें तो बहुत फायदा हुआ। ये पूरा काम दिल्ली सरकार ने खुद कराया है, हमें तो एक पैसा नहीं देना पड़ा, और हमारी पराली यही खेत में ही खाद बन गई है और प्रदूषण भी नहीं हुआ। ये बहुत बढ़िया समाधान है। दिल्ली सरकार प्रदूषण को खत्म करने के लिए युद्ध स्तर पर तो काम कर ही रही है, साथ ही किसानों की सुविधाओं का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और बलरामपुर जिले के कई इलाकों में झोला छाप डॉक्टरों ने अपना जाल बिछा दिया है। लगातार गरीबों की जान के साथ ये डॉक्टर खेल रहे हैं, इलाज के नाम पर गरीबों से पैसा लूट रहे हैं। ये डॉक्टर बिना किसी डिग्री के लोगों का इलाज कर रहे हैं और अवैध क्लिनिक का संचालन कर रहे हैं, जिस पर प्रशासन ने सक्रियता दिखाते हुए रामानुजगंज के दो क्लिनिक में एसटीएम ने छापा मारा और क्लिनिक को सीज कर दिया। दुकान सील किए हैं अवैध रूप से, बिना किसी रजिस्ट्रेशन के। इन्होंने डॉक्टर भी नहीं है, इन लोग के पास कोई डिग्री नहीं है और ये इलाज कर रहे हैं। इलाज करवाएंगे, एक दो क्लिनिक और है जो कि अभी बंद कर दिए हैं हम लोग। अभी जाके देखे तो अभी पिछले एक हफ्ते से हम लोगों ने इसके पहले बरवाही में दो और एक और उसके पास के समीप गाँव में किए थे, तीन पहले कर चुके हैं, आज दो कार्रवाई किए हैं। खबर बिलासपुर से है, जहां जलाकोट परिसर से महिला जज की कार चोरी के मामले में सिविल लाइन पुलिस ने खुलासा करते हुए बताया कि जज की नौकरानी ने अपने पति के साथ मिलकर चोरी की घटना को अंजाम दिया था। पूछताछ में पता चला कि महिला दंपति वाहन चोरी का पूरा गिरोह चला रहे हैं और शहर के कई स्थानों में चोरी की घटना को अंजाम दिया है। पुलिस ने इनके पास से चोरी का करीब 10 लाख का सामान जब्त किया है और कुल 9 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें खरीदार भी शामिल है।
सिविल लाइन थाना क्षेत्र में न्यायालय परिसर से एक I-10 कार चोरी की सूचना मिली थी। प्रार्थिया के द्वारा रिपोर्ट लिखाया गया था, उसमें पुलिस ने जो है CCTV फुटेज के आधार पर जांच आरंभ की थी, जिसमें कार जो है लावारिस हालत में गीता पैलेस के आसपास मिली थी और से कुछ अलमारी, गैस सिलेंडर इत्यादि घरेलू सामान चोरी किए थे, वह भी पुलिस ने बरामद किया है। और इस प्रकरण में जो है मुख्य आरोपी कमल किशोर साहू, पूजा साहू के अलावा 7 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है। लखीमपुर खीरी में कृषि कानून के विरोध में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे किसानों पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे द्वारा गाड़ी से कुचलने के विरोध में बलौदा बाजार जिले के कांग्रेस कमेटी द्वारा सोमवार को विरोध प्रदर्शन किया गया। विरोध प्रदर्शन में मुख्य बात यह रही कि सभी कार्यकर्ताओं द्वारा 2 घंटे तक मौन रहकर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बर्खास्त करने की मांग की गई। साथ ही कांग्रेस जनप्रतिनिधियों समेत कार्यकर्ताओं ने केंद्र और उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार पर सुप्रीम कोर्ट के दखल के बावजूद दोषियों के खिलाफ कोई निर्णायक कार्रवाई न करते हुए संरक्षण देने की बात कही। प्रदेश कांग्रेस के द्वारा आज भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कांग्रेस के द्वारा आज 11 बजे से 1 बजे तक मौन व्रत रखा गया है। इसलिए रखा गया है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ और गृह मंत्री के बेटे के द्वारा जो किसानों के ऊपर अत्याचार हुआ है, किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दिया गया है, इसी के विरोध में आज हम सब लोग लदायार भाटापारा जिले के सभी हमारे कांग्रेस के साथी आज मौन व्रत में बैठे थे और हम लोग मांग कर रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ को तुरंत बर्खास्त किया जाए और गृह मंत्री को निश्चित रूप से तुरंत बर्खास्त किया जाए, उनके लड़के को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर पूरे बड़ौदा बाजार भाटापारा के कांग्रेसजनों ने उत्तर प्रदेश में जो किसानों के साथ भाजपा के गृह राज्य मंत्री के द्वारा जो किसानों को रौंद कर मारा गया था और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बावजूद आज तक न आरोपी के ऊपर कार्रवाई की गई है, न गिरफ्तार किया गया है, उसी की मांग को लेकर भाजपा के योगी सरकार को बर्खास्त करने की मांग को लेकर और भाजपा के गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा जी को बर्खास्त करने की मांग को लेकर आज यहाँ पर 11 बजे से लेकर 1 बजे तक हम सभी कांग्रेसजनों ने मौन व्रत करके। और यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। गांव गांव, शहर शहर, पूरे प्रदेश में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है, आप भी भागीदार बने और संचारी रोगों पर करें वार। हर हफ्ते कूलर का पानी बदले, करें डेंगू पर वार। पूरी बांह के कपड़े पहने, होगी डेंगू से सुरक्षा। गमले में पानी इकट्ठा ना होने दे, नहीं पनपेंगे मच्छर। सोते समय मच्छरदानी लगाएं, होगी मच्छरों से सुरक्षा। पानी की टंकी को ढककर रखें और नियमित सफाई करें। हाथों को स्वच्छ रखें, पानी को ढककर रखें और उबाल कर पिएं। मिलकर हम सब करें मच्छरों पर वार। डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया से सुरक्षित रहे घर परिवार। लक्षण दिखने पर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर तुरंत चिकित्सकीय परामर्श लें। स्वस्थ रहने के लिए जरूरी है स्वच्छता, तो आइए हम सब मिलकर स्वच्छता को अपनाएं और डेंगू जैसी खतरनाक बीमारियों को जड़ से मिटाएं। आइए हम सब मिलकर के हर प्रकार के संचारी रोग पर प्रभावी नियंत्रण करने के लिए, संचारी रोग के लिए चलाए जा रहे इस अभियान में सहभागी बने और अपने वर्तमान और भविष्य को सुरक्षित रखें। इस पूरे अभियान के प्रति मेरी शुभकामनाएं। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। नवरात्रि पावन पर्व पे सर्वप्रथम माँ काल रात्रि के चरणों में अपने आप को समर्पित करता हूँ। समस्त कानपुर नगर वासियों को, समस्त कानपुर देहात वासियों को और उत्तर प्रदेश में रहने वाले सभी सम्मानित साथियों को नवरात्रि पावन पर्व की हार्दिक बधाई और ढेरों शुभकामनाएं।
तक धूम दा दस हफ्ते दस बजे दस मिनट धूम 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 तक दस हफ्ते दस बजे दस मिनट डेंगू हट दस हफ्ते दस बजे दस मिनट दिल्ली से हट धूम धूम तक धूम धूम तक इस बार भी पानी जमा न होने देंगे होगा तो होगा तो उड़ेल देंगे बदल देंगे तेल डाल देंगे नो इफ नो बट दस हफ्ते दस बजे दस मिनट डेंगू हट दस हफ्ते दस बजे दस मिनट दिल्ली से हट चल हट परे हट चल हट और डेंगू दिल्ली से हट इस बार भी डेंगू को हराना है दस हफ्ते दस बजे दस मिनट फिर से अपनाना है हर रविवार डेंगू पर वार दस हफ्ते दस बजे दस मिनट डेंगू हट दस हफ्ते दस बजे दस मिनट दिल्ली से हट खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है तुम में भी मैं हूं शुद्ध प्लस पान मसाला बीच आपको लखीमपुर से इस वक्त की बड़ी खबर बता देते हैं। लखीमपुर से इस वक्त की बड़ी खबर डिप्टी सीएम के लखीमपुर दौरे के दौरान हुआ बवाल। जो वहां पर प्रोग्राम है उसका विरोध करेंगे और इसी वजह से वहां पर सैकड़ों किसान पहले से ही तैयार थे। अगर उनके ऊपर कोई आरोप लगता है तो सियासत गर्म तो होनी ही है। किसानों के मौत के बाद आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने मोर्चा खोल दिया। हम लोगों ने पाया कि वो नॉन कोऑपरेशन कर रहे हैं, सहयोग नहीं कर रहे हैं, विवेचना में कई सारी बातें नहीं बताना चाह रहे हैं। आज जिस तरह से आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी हुई है। नमस्कार, बहुत ही अच्छा लगा जो कि आप दर्शकों की राय इस मामले पर ले रहे हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज़ खबरों का सार। रखे बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और लखीमपुर से आपको खबर बता देते हैं। लखीमपुर कांड के मुख्य आरोपी की रिमांड जारी, 3 दिन के लिए एसआईटी टीम की कस्टडी में है आशीष मिश्रा। आपको बता दें कि कल एसआईटी टीम ने की लंबी पूछताछ। पुलिस को सीसीटीवी से मिली है थार के कई फुटेज मिले हैं, थार से ही कुचला गया था किसानों को। पुलिस लगातार उनसे दंगल में मौजूदगी के सबूत मांग रही है। घटना में मारे बताए जा रहे ड्राइवर हरिओम के कपड़ों और थार में बैठे ड्राइवर में फर्क मिला है। पुलिस लगातार उनसे दंगल में मौजूदगी के सबूत मांग रही है और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आमिर रजा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आमिर, लगातार रिमांड जारी है, एसआईटी की टीम की कस्टडी में है आशीष मिश्रा, पूछताछ की जा रही है, लेकिन वो सबूत नहीं दे पा रहे अपनी बेगुनाही के। देखिए, जिस तरीके से लगातार घटना के बाद से चाहे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हो अजय मिश्र सैनी या फिर आशीष ने भी मीडिया के सामने आकर ये बात कहा था कि वो इस घटना में शामिल नहीं है, वो खुद को लगातार दंगल में होने की बात कर रहे थे। यही वजह है कि जब एसआईटी ने उनको बुलाया था और लगभग 12 घंटे की पूछताछ हुई थी तब भी वो अपने कोई सबूत नहीं दे सके थे और इसी वजह से जब अपने एसआईटी को जो सहयोग नहीं किया था तो पुलिस ने उनसे पुलिस रिमांड की मांग की थी न्यायालय में और 3 दिन की उनको रिमांड मिली थी। वो रिमांड कल 10 बजे से और 15 तारीख की 10 बजे तक रहेगी। उसको लेकर पहले दिन कल जब पुलिस ने उनको अपनी कस्टडी में लिया तो लगातार उनसे इस बात की सबूत मांग रही जिसका वो दावा कर रहे थे कि वो घटनास्थल के वक्त में वो दंगल में थे और घटनास्थल पर नहीं थे। लेकिन लगातार दूसरी तरफ पुलिस भी अपनी पेश कर रही है। सूत्र बताते हैं कि पुलिस को घटनास्थल से लगाकर जो उनके घर का रास्ता है उस बीच उनको कई जगह पर ऐसे सीसीटीवी फुटेज मिले हैं जिसपे गाड़ी में उनके सवार होने की बात कही जा रही है। देखना यह है कि जो उसमें जो सवार बताए जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से हरिओम मारा गया था तो हरिओम ने जो कपड़े पहन रखे थे वो नीले रंग के पीले रंग के धारीदार थे और जो ड्राइवर दिख रहा है जो थार पे बैठा हुआ व्हाइट कलर के कपड़े पहने हैं। कहीं ना कहीं जो बयान है और जो सबूत है उसमें फर्क दिख रहा है। यही वजह है कि लगातार पुलिस इस बात की पूछताछ कर रही है और लगभग
कल से लगातार पुलिस उनकी पूछताछ कर रही है और आज ये भी कयास लगाया जा रहा है कि हो सकता है घटनास्थल पर भी आशीष को ले जाया जाए, क्योंकि मौके से पहुंच कर ही बहुत सी बातें निकल सकती हैं सामने। जी आमिर, आप इस खबर पर लगातार बने रहिए, हमें अपडेट देते रहिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बता दें कि पुलिस लगातार उनसे दंगल में मौजूदगी के सबूत मांग रही है, हालांकि आशीष मिश्रा इस बात को नहीं क्लियर कर पा रहे हैं कि वो दंगल में मौजूद थे और वो घटनास्थल पर नहीं थे। हालांकि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा इस बात को लगातार कह रहे थे कि उनका बेटा और वो वहां पर मौजूद नहीं थे। और सीधे आपको ले चलते हैं दिल्ली, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गति शक्ति योजना का शुभारंभ कर रहे हैं। प्रधानमंत्री गति शक्ति, नेशनल मास्टर प्लान फॉर मल्टी मोडल कनेक्टिविटी। इसके अंतर्गत इसरो द्वारा विकसित बाइसैग एन इंटीग्रेटेड पोर्टल पर 16 मंत्रालयों को जोड़ने वाले 200 से ज्यादा लेयर्स काम कर रहे हैं, जिससे सभी विभागों को एक दूसरे के काम की मिलेगी विजिबिलिटी। पीएम गति शक्ति योजना द्वारा रेल, रोड, पोर्ट और सिविल एविएशन सभी आ जाएंगे एक बड़े अम्ब्रेला प्लान के तहत। अब पोर्टल के माध्यम से किसी भी विकास एवं निर्माण कार्य में सभी स्टेक होल्डर्स के बीच समन्वय होगा, जिसके तहत एक ऐसी व्यवस्था बनाई गई है कि सभी ग्रुप में एक साथ बैठकर बेहतर प्लानिंग कर सकेंगे। इससे लैंड एक्विजिशन के साथ साथ